थी वंश में आगे चल के महाराज त्रिवंदन हुए, त्रिवंदन के हुए त्रिशंक और त्रिशंकु के हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। आ जाइए, कभी कभी पिता के दुष्कर्म बच्चों को भोगने पड़ते हैं। एक बार महाराज अपनी ससुराल के लिए गए, रास्ते में गाय मिली, गाय चल रही, महाराज ने निकाला बाहर कर दिया, फिर गाय फिर आ गई, उन्होंने डंडे मार दिए, गाय ने श्राप दे दिया, अरे राजन तू अपनी ससुराल जा रहा है, भोजन करेगा और पानी पिएगा तो तू गधा बन जाएगा। ससुराल में पहुंचे हैं मगर भोजन नहीं कर रहे, क्यों गधा बन जाएंगे? उसी समय पास में आई सासू माँ, बेटा भोजन करो, क्या बात है? I'm not.
सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, इसी के साथ में ये नीरज भैया जो है सम्मान करके गए हैं और भरतना से भैया हमारे आए हैं बीजेपी नेता नीरज भैया, तो बहुत बहुत आपको बधाई। भगवान सदा आपको आशीर्वाद दे, मेरी कामना है प्रभु से। बोल सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ही माने कहा महाराज भोजन करो, क्या बात है। बोले गाय माता ने श्राप दिया, भोजन करेंगे पानी पिएंगे तो हम गदा बन जाएंगे। अरे आज नहीं करोगे कल नहीं करोगे, भोजन तो करना ही है। अच्छा आप भोजन करो, यदि कोई परेशानी होगी ना तो हम ठीक करेंगे। कितना भरोसा है माँ को। उसी समय महाराज ने भोजन किया, परंतु गाय का श्राप अधूरा नहीं है। भोजन करते ही आज जैसे जलपान किया है तो महाराज त्रिशंक जो है वो गधा बन गए। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। मैया लेकर के चली अपने पति को गाय माँ के पास। ममता बड़ी विलक्षण है। एक दिन गाय माता प्रसन्न हो गई, बेटी तेरी भक्ति बड़ी अच्छी है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। तो हाथ जोड़ के बोली है, माँ यदि देना चाहती है तो एक ही बर दो। अरे
मैया कहने लगी, मेरे पति जो गधा बन गए हैं ना माँ, उन्हें ठीक कर दो बस, और कुछ नहीं। माँ ने कहा, बेटी वैसे तो जे तो जाई लायक है, पर तू मांग रही है तो कोई बात नहीं, मैं देंगे जरूर। हाँ, जवाब दिया तो एक काम करो बेटी, ने काशी के अंदर ले जाओ, और कोई पति व्रता नारी यदि जल छिड़क दे तो ये ठीक हो जाए। मैया लेकर जा रही है। आज भी देखने वाले लोग बड़े परेशान, देखो औरत की जात गधा को नहीं। कुछ कहावतें ऐसी हैं जो कहने में बड़ी अटपटी लगती है, मगर उन्हें समझो, सही समझो। जैसे वेद होता है ना, वेद में बोलना कुछ अलग और उसका अर्थ कुछ अलग होता है। एक किसान था, उसकी 500 बीघा जमीन थी, और उसकी आदत थी माड़ पीने की, जो चावल में माड़ निकलता है। पिया है कभी कि नहीं? हमने बहुत खाया वैसे। हाँ, तो जो मांड होता है ना, वो बहुत पीता था। एक दिन क्या हुआ, उसके बड़े बड़े लोग मिलने वाले बैठे हुए थे, और पत्नी ने मांड निकाल के रख दिया कि वो मांड पिए बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो अपने बच्चे से कहा, जाओ बेटा, पिताजी बैठे और ये मांड मैंने रख दिया, उनसे कह दो जाके पी लो आके। और लड़का पढ़ा लिखा था, उसने देखा पिताजी के पास बहुत लोग बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, इनके सामने कहेंगे कि मांड पी लो छल के, तो ये कहेंगे खाने के लिए घर में अनाज भी नहीं है, हाँ आटा भी नहीं है, भूख हो मर रहे। तो लड़का बड़ा समझदार, उसने जाके बड़े प्रेम से कहा, पिताजी धानुपुर से माड़ू आया और कठवतिया घाट पे बैठा है, जरा जल्दी चल के मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को जा रहा है। ध्यान देना, बड़ा समझदार बेटा था। यानी धानुपुर से माड़ू आया और कठवतिया घाट पे बैठा, काट यानी कठौती में रखा है, कठवतिया घाट पे बैठा है, और जल्दी चल के मिल ले, यानी खा ले, नहीं तो शीतलपुर को, नहीं तो ठंडो हो जात बोल गोविंद भगवान की। वेद में कहती पशु न आलवेद, तो पशु आलवेद का मतलब मारना नहीं, स्पर्श करना होता है। ये बड़ी वेदांती भाषा अटपटी है, समझना कुछ, बोलना कुछ, अर्थ कुछ, और जो नहीं समझ पाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए, अब मैया लेकर जा रही है, वो सभी लोग हंस रहे, औरत की जात पर गधा थोड़े ही थे, पति थे। काशी में ले गई, जो के प्रणाम किया, काशी नरेश ने यज्ञ किया है और घंटा बजा नहीं, बोले देख क्या कोई भूखा तो नहीं है, जय मैया पे गधा को ले बैठी, देवी भोजन कर लो। बोले मैं पति को भोजन कराओ, कहाँ है पति? बोले जय तो है, तुझे तो गधा है। बोले जन्म से नहीं, 20 से ही हो गए श्राप के कारण। और गाय माता ने ये बताया है कि कोई पतिव्रता नारी जल छिड़क दे तो ये ठीक हो जाए। राजा ने सोचा, अच्छा राजा लोग पहले दो तीन शादी कर लेते थे, हमारी रानी रोज कहती मैं पतिव्रता है, आज इनका धर्म भी देख लेंगे और ये भी ठीक हो जाए, दोनों काम हो जाएंगे। तो महाराज ने पत्नियों से कहा, देवी तुम तो पतिव्रता बोल, बिल्कुल कोई इसमें संशय? तो संशय नहीं है, पर जाओ हमारे दरबार में एक इंसान गधा बन गया है, उसे जरा ठीक करो। सो जल लेके चलिए, पतिव्रता ऐसी हती, डेढ़ हाथ को घूंघट लगो, कहो तो ससुर तो जड ले ले, और जेठ की ऐसी तैसी करे, हाँ ऐसी पति पत्नी जाकर के पानी डाला है मगर कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी की उन्होंने भी डाला कोई फर्क नहीं। भैया अब तो महाराज को बड़ा दुख हुआ, एक भी स्त्री पति पतिव्रता नहीं। तो उसी समय अब महाराज ने विचार किया क्या करना चाहिए, तो कहा जाओ काशी के अंदर देख करके आओ, जितनी भी स्त्रियां हैं सबसे कह दो कि सब घड़ा ले लेकर आए जल भर के। सर्दी का मौसम परिचित महाराज, सो भैया जब पानी ज्यादा छोड़ा गया सो गधा कांपने लगा सर्दी से। हाँ हाँ, अब बड़ी परेशान। तो अब मैया बेचारी परेशान है, महाराज ने देखा तो कहते हैं कभी लोग कह दिया करते, कभी तापत गधा देखो, जैसे कोई छोटा व्यक्ति बड़ा काम करने चले तो लोग मजाक करते उसकी, है भले आए, कभी देखो तापत गधा, वैसे ही देखो मुंह देखो। तो ये कहावत कब से चली, महाराज त्रशंकु को लगी सर्दी
तो यानी वो जो गधा बने थे महाराज, सर्दी लगी तो खरपतवार मंगाया, जलाया, तपाया, सर्दी दूर हुई। उसी दिन से ये कहावत चली, कमू तापत गधा। अच्छा फिर भी ठीक नहीं हुए, अजी देख के आपको स्त्री रह तो नहीं गई, तो केवल कलुआ मेहतर की घरवाली नहीं आई। कलुआ मेहतर की घरवाली को बुलाया गया, कहा इन्हें ठीक करो। तो बोले ठीक तो कर देंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना। क्या? बोले महाराज ठीक करेंगे हम, मगर इन्हें मेरे यहाँ 12 साल पानी भरना पड़ेगा। बोलो भरेंगे? ससुर हिला दिया, ना 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 सूर्यवंशी राजा, तुम्हारे घर पानी बिल्कुल नहीं। पत्नी बोली महाराज सारे जीवन भर गधा बने रहोगे? अरे कौन सी बड़ी बात है, भर दो ना। बोले अच्छा, सो झूठी सर हिला दिया। बोले ठीक है, उसने जल छिड़का, महाराज मनुष्य बन गए। बोल गोविंद भगवान की। तो मेरे सज्जनों, जब मनुष्य बन गए, अब कलुआ मैत्र की घरवाली ने कहा चलो महाराज, तो उसी समय जवाब दिया तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? क्यों, कहां हम अयोध्या के राजा और तेरे घर जाके हम पानी भरेंगे? अरे कोई दानवान की जरूरत हो तो बोल, और नहीं तो चले ऐसे अपना काम देख। कहने लगे अभी कैसे खड़े थे गर्दन डाले, हैं अटक गई गिन्नी तो बोल दे सिन्नी। कोई बात नहीं, चले जाओ महाराज, मगर एक बात ध्यान में रखना, आपने मेरे यहाँ पानी नहीं भरा है, आपकी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। प्यारे सज्जन ध्यान रखना, वही श्राप लगा है। महाराज तो चले आए, पर इन्हीं महाराज के पुत्र, क्योंकि पतिव्रता कोई सरल बात नहीं, अनुसुईया माता हुई, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जरा जरा सा बालक बना दिया था। धन्य थी वो माँ। पतिव्रता बनना कोई सरल नहीं के, पति की सेवा से केवल पतिव्रता थोड़ी होते। ससुर का सम्मान, जेठ का आदर, देवर को प्रेम, ननद को दुलार, सारे परिवार को लेकर के जो माताएं चलती हैं ना, सबका सम्मान करके जो चलती हैं, वही पतिव्रता होती है। ये नहीं कि केवल पति सेवा करने से ही हम पतिव्रता हो गए। तो आ जाइए, इन्हीं महाराज कृष्ण के बेटा हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। छोटा सा भजन बोलेंगे, बहुत सुंदर कथा है। जीव कहता है हे प्रभु, दुनिया में तो परेशान रहा, मगर जब से आपकी शरणागति हुआ ना, तब से आनंद ही आनंद है। संसार की हवाएं
संसार की हवाएं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मुझे परेशान कर रहा था प्रभु। संसार की हवाएं मुझे को सता रही, आनंद ही आनंद है हे ना। ओ दर्शन हुआ है आपका, दर्शन हुआ है आपका, दर्शन हुआ है आपका, दर्शन हुआ है आपका, मौसम बदल गया और पाकर के प्यारे गया।
सदगुरुदेव भगवान की। आ जाइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा, तो महाराज त्रिशंक जो हुए इनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र, बड़े सत्वादी राजा हुए हैं, बड़े ही दानवी राजा हुए, मगर ध्यान रखना थोड़ी सी भूल हो गई। हरिश्चंद्र के कोई पुत्र नहीं है तो वरुण भगवान से प्रार्थना की, वरुण भगवान ने कृपा की, बेटा हुआ, मगर उसकी बलि न चढ़ाने ये घड़ा उठाओ तो घड़ा बिल्कुल हल्का, बोले इसका जल कहाँ गया। महाराज ने कहा वो तो रात में प्यास लगी जो हम ही पी गई, बोले तो अब रानी को पुत्र नहीं तुम्हें ही होगा। महाराज को बड़ी चिंता हो गई, तो ध्यान रखना कहते हैं 9 महीने के बाद महाराज का उदर भेदन किया गया, बेटे का जन्म हुआ है। इंद्र ने आकर के तर्जनी अंगुली उसके मुखारविंद में दी और कहा कि मैंने दुग्ध पान कराया है, इस बेटे का नाम है मानधाता। मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद ऋषि, जिन्हें भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी, और इसी वंश में